अस्सलामुअलैकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक डिज़र्ट और ब्रेकफास्ट यानी कि मीठे और नाश्ते के लिए, जिसे क्रेप्स कहा जाता है। इसे सर्व बहुत से तरीक़ों से किया जाता है, वो आपको इंशाल्लाह आगे दिखाती जाऊंगी मैं, क्योंकि वो कुछ सजेशंस में होगा, आगे आपकी अपनी चॉइस पर। लेकिन बैक टू द रेसिपी, जो हमें क्रेप्स बनाने उसके लिए आपको चाहिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, पानी आपको सादा चाहिए दैट्स वाटर, मिल्क यानी कि दूध जो आपके पास फ्रिज में होता है, होल फैट इस्तेमाल कर लें या बेशक लो फैट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में जाएंगे अंडे दैट्स एग्स, शुगर यानी कि चीनी, सॉल्ट यानी कि नमक, वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास हैं, और मेल्टेड बटर यानी कि मक्खन, ये नॉन सॉल्टेड अनसॉल्टेड आई एम सॉरी। और आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना है इसका बैटर। उसके लिए आपको चाहिए एक ब्लेंडिंग का जो जग होता है, ब्लेंडर का जग ले लिया आपने, बीच में आप डालेंगे जो कि आपका प्लेन फ्लावर है यानी कि मैदा चला गया, तमाम चीज़ें यहीं पर ही चली जाएंगी और आप इसको आसानी से जो है ब्लेंड कर पाएंगे। नमक, चीनी, वनीला एसेंस, मेल्टेड बटर, अंडे, पानी, दूध, और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर ले जब तक कि तमाम चीज़ें एक जान हो जाए और एक स्मूथ बैटर की शक्ल में आ जाए। इस वक्त इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनी है। अब आपने क्या करना है, इसे आप एक जग में डालेंगे और उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना थोड़ा चिल हो जाने के लिए। कवर कर लें इसे विद कोई प्लेट के साथ या क्लिंग फिल के साथ और इसे आप एक घंटा दे दें फ्रिज। क्रेप्स जो है उसे, जिसका बैटर था उसे हमने फ्रिज में रखा था एक घंटे के लिए। उसके बाद अब एक स्पैचुला चमचे की मदद से उसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कोई भी चीज़ नीचे सेटल ना हो जाए। और अब आप क्या करेंगे, सिंपली नॉन स्टिक पैन आपको चाहिए और उसे आप कर लेते हैं गर्म। उसके बाद इसकी मेजरमेंट होती है इंशाल्लाह, जब आप देखेंगे मेरी वेबसाइट आपको तमाम जो है मेजरमेंट्स मिल जाएंगी। आपने गर्म कर नीचे इसको मीडियम पर रखना है, लेकिन इट नीड्स टू बी हॉट। इसको आप डालते हैं बीच में बैटर को और जो है सिर्फ आपने इसको यूं अराउंड करना ताकि जो बैटर है तमाम पैन के अंदर में इक्वली स्प्रेड आउट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी पहचान क्या होती है कि ये नीचे से कुक हो चुका है, कुछ आपको शोर नहीं होगा, तो आपने साइड से देखने कितनी आसानी से पील ऑफ हो रहा है। ये देखें, हल्का सा उठाइएगा और ये देखें फिलहाल ये कच्चा है, तो वील जस्ट रोल इट बैक और इसको अच्छी तरह थोड़ा सा जो है पहले गोल्डन होने दें। तकरीबन एक मिनट लगता है जो पहली साइड ने, दूसरी इसकी पहचान कुछ यूँ होगी, जैसे ही नीचे से कुक होना शुरू होता है ये साइडें छोड़कर देख रहे हैं, ये साइड पर खड़ा होना शुरू होता है, बेसिकली इट्स लीविंग द पैन। इसलिए नॉनस्टिक पैन का ज़रूरी है होना, वरना फिर आपको हल्का सा तेल उसको लगाना पड़ेगा जो अच्छा नहीं लगता। तो ये कर लेने के बाद एक साइड जो होगी उसे एक मिनट लगेगा और फिर उसके बाद आप इसको यूँ उठाते हैं और साइड चेंज कर देंगे, ये देख लें, और दूसरी साइड को आपको बट 30 सेकेंड्स चाहिए और ये तैयार हो जाता है। एक प्लेट लीजिएगा, उस पर आप रखते हैं टिश्यू ताकि आप बना बना के, जैसा मैंने पहले एक बनाया, टिश्यू रखिएगा, इसके ऊपर आप क्रेप रखेंगे, फिर टिश्यू और फिर क्रेप, ताकि वो दूसरे के साथ चिपक ना जाए। तो इसको 30 सेकंड्स देते हैं और उसके बाद बाकी का भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। आपको इसके बाद एक और दिखाते हैं। क्रेप्स तमाम बन चुके हुए हैं, एक साइड जो है हल्की सी गोल्डन होगी और दूसरी साइड आप देख लें उस पर यू हल्के से जिस तरह फूल से होते हैं ये इसका बन जाता है। दिस इज परफेक्टली कुक्ड, वन साइड 1 मिनट, दूसरी साइड 30 सेकेंड्स, इज डन। मीडियम टू हाई के दरमियान हम इसको रखते हैं और आप इनको बना लेते हैं। इसे आप सर्व कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पर आपको आज दिखा रही हूँ, आई एम यूजिंग आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। आप अपनी कोई भी चॉइस की कर सकते हैं। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज इस्तेमाल कर रही हूँ, इनको मैंने स्लाइस कर लिया है। नटेला इस्तेमाल कर रही हूँ, रेडीमेड है, तो ये इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इसको मैंने वार्म कर लिया है। चॉकलेट सॉस है, ये मेरी होममेड व्हिप्ड क्रीम है, इसका लिंक आपको वीडियो पर दे दिया जाएगा। पाउडर शुगर डालेंगे जो बिल्कुल डस्टिंग के लिए। तो आपको दिखाते हैं कि इसको अब हम थोड़ा सा असेंबल किस तरह करें। इससे पहले हम बनाने लगे हैं स्ट्रॉबेरी और क्रीम का। प्लेट ले लीजिएगा, इस पर आपने इसको सर्व करना है। जो यूं फूलों वाली साइड है बाहर रखेंगे, सो वी कीप दैट देयर। और उसके बाद जो आपकी क्रीम है उसे आपने यूं बीच में लाइन अप कर लेना है। क्रीम चली गई, इसके ऊपर अब आप यहाँ पर लगाएंगे स्ट्रॉबेरीज, और इसको आप यूं रैप कर देते हैं। और
जब मैं इसको गार्निश करूंगी तब आपको दिखाऊंगी किसके ऊपर आप शुगर डास्ट कर ले। ये वाला हम बनाएंगे नटेला एंड बनानास के साथ। देखिए चॉइस आपकी अपनी, जो बच्चों को पसंद है आप डाल सकते हैं। एंड अ बिग डॉलप ऑफ जो है नटेला, जितना आपको पसंद है उतना आप इस पर यूँ डालते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह, तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ऑल द वे टिल द एंड तक लेके जाएंगे इसे, थोड़ा सा स्प्रेड भी कर लेते हैं। इस पर आप डालेंगे जो कि आपके बनानास हैं, ज़्यादा या कम वो आपकी अपनी चॉइस है। फ्रूट भी जो आपको पसंद है वो आप बीच में डाल सकते हैं एज अ फिलिंग। और इसे भी डालने के बाद आपने उसी तरह रैप कर लेना है टिल द एंड। यहाँ से यूं उठाएंगे और ये आपका हो गया नटेला एंड बनाना। दिखाने के लिए कि ये स्ट्रॉबेरी का है, उसके ऊपर आप एक काट करके उसके साइड्स जो है यूं दिखा सकते हैं। ज़रा फैन सा बना के ऊपर शुगर डस्ट कर दीजिएगा पाउडर वाली, एंड दैट्स स्ट्रॉबेरी का। और जो नटेला का है उसे हम सर्व कर रहे हैं विद वनीला आइसक्रीम। इसके ऊपर आप इसको यूं पॉप अप कर देते हैं। द रीज़न इट्स मेल्टिंग बिकॉज ऑब्वियसली वार्म है। और थोड़ी सी इसके ऊपर हम ड्रिजल कर देंगे जो हमारी चॉकलेट नटेला ही डाल दीजिएगा। आपको आज सिखा दिया बेसिक क्रेप्स किस तरह बनते हैं और इनको आप किसी के से सर्व कर सकते हैं। एक सजेशन है, आपकी अपनी चॉइस है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे व्हिच इज cookwithfaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।